अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी शेफ ईमान। तो ये मेरी आज की रेसिपी है चिकन टेंडर्स बनाने का। मौसम काफ़ी अच्छा है तो आज क्यों ना कोई हम ऐसी कोई चीज़ बनाते फ्राई करने वाली। तो उसके वजह से मैंने इंग्रीडियंट्स वीडियो के एंड में टाइप कर दिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। मैदा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और गार्लिक पाउडर वगैरह मैंने शामिल किया इसमें, और तारा मिर्च वगैरह शामिल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मैंने अलग से बॉनलेस से बॉनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने फिंगर में भी कट किया है और क्यूब्स में भी कट किया है। उसको मैं पानी लगा लूँ कुकर करने के बाद 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दूँगी चिकन वगैरह को, जिसको आप जो मर्जी शेप कर ले। तो इसको मैं मैरिनेट करूँगी 30 मिनट के लिए। इससे होगा कि आपको थोड़ा चिकन अच्छी तरह मतलब कि बैटर वगैरह लग जाएगा उसमें, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट वगैरह भी इससे हो जाता है। तो इससे मैं इसको ना आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी, आप ओवरनाइट भी कर लें। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और एक अलग प्लेट में मैंने खाली मैदा लिया है उसको भी मैं उसमें अच्छी तरह कोटिंग वगैरह कर दूँगी मैं इसकी। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं सबकी जितने भी मेरे कहते हैं ये टेंडर्स हैं, इसको मैं ऐसे कोट वगैरह करके गर्म ऑयल में मैं इसको फ्राई कर दूँगी। इसको हम मीडियम ऑयल में लेंगे, क्योंकि सारा मैदा वगैरह सारा ऑयल में लग जाएगा, तो इस वजह से इसको तेज़ आंच पे पहले करेंगे फ्राई। उसके बाद मैं इसको आस्ता आंच में करूँगी ताकि जो इसका चिकन है वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। फिर मैं इसको तकरीबन 5-10 मिनट लग जाएगा इसको कुक होने, क्योंकि आस्ता आस्ते इसका कलर भी आ जाएगा ब्राउन। हमें इसको लाइट ब्राउन कलर देना है, तो उसको आस्ता आस्ता करेंगे हम कुक। तो देखिए मेरा कलर कुछ इस तरह आना चाहिए चिकन का, तो देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो जो मेरे चिकन टेंडर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज को, टिकटॉक के पेज को और फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। इसका मैं अपना अकाउंट का नेम वगैरह डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूँगी। तो मेरे जो चिकन टेंडर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।